बात समझ गया मैं आपको क्लियर कराऊं जो चीज़ नहीं नहीं राशन कार्ड में फैमिली मेंबर का नहीं नाम ऐड हुआ मैं आपको ये मैं समझ गया आपकी बात अब मेरी भी सुन लीजिए हाँ जो आप 7 डेज की बात कर रहे हैं आप 7 डेज की बात नहीं कर रहे हैं देखिए जो सरेंडर का होता है 1 डे में हो जाता है वो अच्छा। जो मॉडिफिकेशन जो करेक्शन का जो समय रखा गया है ना हाँ। वो 30 डेज कर दिया गया है पहले 15 डेज था हाँ। अब उसको 30 डेज कर दिया गया है आफ्टर वेरिफिकेशन और अभी जो एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं 1 मंथ पहले जो आपने दिया है ऑलरेडी हाँ। अभी डिपार्टमेंट 2015 के जो केसेस है उन पे काम कर रहा है जो कि काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है तो अभी आपके जो केसेस में आप 7 डेज की बात कर रहे हैं हम 1 मंथ की बात कर रहे हैं हाँ। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी 1.5 साल से भी ऊपर हो गया तो आपकी एप्लीकेशन में भी समय लग सकता है नहीं नहीं बट आपका 2015 के नहीं अपडेट हुए अभी तक आपके डिपार्टमेंट ने करे तो वो अभी होंगे अभी हम लोग 18 में 3 साल हो गए तो जो अभी भरा था मैंने वो 3 साल लग जाएंगे उसको अपडेट करने में देखिए कार्य चल रहा है आपके डिपार्टमेंट तरफ से होना उनको एक हेल्प डेस्क का नंबर है जो अपडेट हमारे पास है डिपार्टमेंट तरफ से हम वो आपके साथ शेयर करते हैं नहीं तो आप राशन कार्ड डिपार्टमेंट से ही बोल रहे हो ना आप बट ये हेल्प डेस्क का नंबर है ना नहीं तो आप डेस्क नंबर एक अलग होता है हेल्प डेस्क किसका है राशन कार्ड का ही हेल्प डेस्क है ना ये नहीं वो तो आपको ही पता है वो मुझे भी पता है आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना लेकिन मेरी तरफ से नहीं बनता हमारे पास जो अपडेट होती है कस्टमर के संग शेयर करने के लिए हाँ। वो हम शेयर करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अच्छा नहीं वो तो आपकी बात ठीक है देखो नहीं फिर इसमें तो मतलब ऐसा है ना वो बहुत ही उनको बहुत जरूरत है तो अभी उनके बच्चे भी हैं तो उनको ये कि राशन उनके नाम पे मिलता है उसके नाम पे मिलता ही नहीं है तो उनको सहमत हूँ आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ आपकी इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था सर्कल में आप बात कर लीजिए नहीं सर्कल में तो बात कर ली सर्कल ने बोला 1.5 महीना लगेगा 1.5 महीना हो गया है 1.5 महीना अगर वो कह रहे हैं हाँ। नहीं हो पाता तो एक बार उनसे पूछ लीजिएगा क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो देखिए अभी काफी कस्टमर जो वेट कर रहे हैं तो आपके पास डॉट कहती होंगी फिर तो हाँ काफी सारे कस्टमर्स आते हैं इसलिए हम आपके संग शेयर कर रहे हैं चीजें अब देखिए आप खुद ही देख लीजिए आपको 1.5 महीना उन्होंने बोला अभी तक आपका हुआ नहीं कॉमन सी चीज है तो इसलिए काफी सारी एप्लीकेशन होती है समय लग जाता है बाकी वहाँ पे जिनसे भी आप बात करते हैं आपकी जो साइट आपने जो साइट बताई है वो मुझे जरा लिखवा दो मैं वो साइट पे एक बार चेक कर लेता हूँ बता ठीक है नोट कीजिए NFS.Delhi एक मिनट स्पेल आउट कर दो NFS मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी NFS.Delhi .gov.nic.in ठीक है अब यहाँ पे होम लिखा होगा होम के नीचे डाउनलोडेबल फॉर्म का ऑप्शन होगा उसमें से किचन चार्टर करके आ जाएगा उसमें सारी टर्म कंडीशंस लिखी है नहीं तो कोई बोलता नहीं कि इतना टाइम लग रहा है तो क्यों लग रहा है मतलब देखिए ना पर्टिकुलर देखिए हर किसी के वेरिफिकेशन होती है वेरिफिकेशन होने की रिपोर्ट जब आप जैसे कह रहे हो कि इतने साल पुराने भी नहीं हुए अभी तक तो मैं यही सवाल कह रहा हूँ कि अगर इतने तो किसी ने इंक्वायरी तो करी होगी ना ये कि क्यों नहीं हुआ मतलब मेरे को ये नहीं चीज समझ दिल्ली में 2013 में जब गवर्नमेंट ने बिल पास किया था हाँ। उससे पहले लोगों के नॉर्मल कार्ड चल रहे थे अब पॉवर्टी लाइन हाँ। सबके कार्ड बदल गए अब सबके लिए वेरिफिकेशन होनी अपडेट होना उसमें सारे ऑनलाइन है नहीं ऑनलाइन के लिए भी तो सिस्टम पे पहले वेरिफिकेशन होगी ना हाँ। एड्रेस पे जाएंगे रिपोर्ट बनाएंगे हाँ। रिपोर्ट शेयर करेंगे फिर वो साइट पे पहले मैनुअल होते थे पहले नाम बस चढ़ जाता था उसमें हाँ, वो मैनुअल हो जाता है मैनुअल तो फिर इसका मतलब इतने लोगों को राशन मिल ही नहीं रहा देखा जाए तो बिल्कुल क्योंकि क्या होता है कि वेरिफिकेशन होती है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर जो होते हैं रिपोर्ट वो ठीक है अगर नहीं तो बड़ी वैसी पैथेटिक सिचुएशन है मतलब अगर इस तरीके से क्योंकि जो गरीब आदमी उसको मिल नहीं रहा राशन तो फिर क्या फायदा फिर ये सब चीजें इसीलिए बनाई गई है कि एक्चुअल में जिनको रिक्वायरमेंट्स है उन्हीं को चीजें मिले अब वो देखो वो तो मेरे से बात कर रहे हैं ना अभी क्या है कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं है उनको पता नहीं है वो जाते फॉर्म भरते हैं 300 रूपये कोई उनसे ले लेता है फॉर्म फिल करने का उन्होंने पिछले बोला अभी नहीं मैंने पिछले 1-2 साल हो गए वो हर बार ही जाते हैं फॉर्म फिल करके आ जाते हैं तो बड़ी उसको नहीं तो एक गरीब आदमी को पता नहीं ना इस बात का आप ये सोचो उसको तो नहीं पता मैंने आप उनके पास तो ये नंबर भी नहीं होगा जो मैं आपका हेल्प डेस्क के नंबर पे कॉल कर रहा हूँ जो हमारे जो नंबर्स हैं ये सब वैसे मैं नहीं आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात आप मेरी बात समझ लीजिए मैं ऑनलाइन जाके मैंने नंबर चेक किया है फिर बाद में मैं आपको कॉल कर रहा हूँ नहीं तो क्या होता वो फिर जाते थोड़े दिन में फिर उनको कोई बता देता 300 रूपये और देकर आ जाते तो ये अकेले वो नहीं दे रहे होंगे बहुत लोग दे रहे होंगे मेरी बात समझने की कोशिश करो देखो आपको आप तो इतनी सिस्टम चीज ठीक कर पाओगे बट आप मतलब किस हिसाब की सिचुएशन है ये तो बड़ी गलत चीज है ये मतलब ठीक है तो मतलब इनको बोलते हैं इंतजार करो बस हाँ जी बाकी इनको हमारा नंबर दे दीजिएगा
नंबर दे दूंगा। कोई भी डाउट होता है तो हमें कॉल, वो मैं देखूंगा। देखो नंबर देने से कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि जो फॉर्म फिल होता है, फॉर्म नंबर 2 फिल हो रहा है, वो अगर आपको नंबर मैं बता भी दूं तो आप स्टेटस नहीं बता पाओगे, बिकॉज आप कह रहे हो कि मेरा 2015 तक का नहीं है अभी तक सिस्टम में। बिल्कुल जी, है ना, तो कोई फायदा ही नहीं है फिर नंबर आपका भी देके। ठीक है, मैं फिर भी दे दूंगा उनको नंबर, जो वो अपने और किसी को दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। नशीपुर सिक्योरिटी में कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।